क्या आप जानते हैं स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों स्ट्रक्चर्स का कब इस्तेमाल करना है, यानी आप कब बोलेंगे अवेयर ऑफ और इग्नोरेंट ऑफ। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूँ, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज सुबह 7 बजे मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ संडे को सुबह 7 बजे एक नया वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि इस मंडे से मैं आउट ऑफ इंडिया हूँगा 2 ईयर्स के लिए। यानी 2 ईयर्स के लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया काम करने का मौका मिला है। तो हर संडे सुबह 7 बजे एक नया टॉपिक सीखना न भूलें। आइए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कोई इंसान किसी चीज से आगाह था, यानी उसे इस बात की जानकारी थी या इस बात का नॉलेज था। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं इस मुसीबत से आगाह था, यानी मुझे ये पता था कि ये मुसीबत आने वाली है, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप पहला स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट इजारम के साथ अवेयर ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। यानी इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी मैं इस मुसीबत से आगाह था। यहाँ मैंने बोला वॉज क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट में है। अगर मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में रहता तो मैं इस आरम का इस्तेमाल करता। यानी इस तरह के सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट में है तो आप इस आरम, और अगर पास्ट में है तो आप वॉज वर का इस्तेमाल करें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात इग्नोरेंट ऑफ की करें तो इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई इंसान किसी बात से अनजाना था या बेखबर था, यानी उसको ये बात मालूम नहीं था। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं इस मुसीबत से बेखबर था, या मुझे इस मुसीबत की जानकारी नहीं थी या कोई मालूमात नहीं थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी मैं इस मुसीबत से आगाह नहीं था, बेखबर था, यानी मुझे जानकारी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि आप पहला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल यानी सब्जेक्ट के साथ इजारम या वॉज वर्ब के साथ आप अवेयर ऑफ का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको कहना हो कि आप किसी बात से आगाह थे या हैं, या आपको किसी बात की जानकारी है या थी। वहीं दूसरी तरफ आप सब्जेक्ट इजारम या वॉज वर्ब के साथ इग्नोरेंट ऑफ का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको कहना हो कि आप किसी बात से बेखबर थे या गाफिल थे, यानी आपको वो बात मालूम नहीं थी। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मैं स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल से आगाह था, यानी मुझे स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल की जानकारी थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज अवेयर ऑफ मिस यूजिंग स्मार्टफोन, यानी मुझे स्मार्टफोन की गलत इस्तेमाल की जानकारी थी या मैं उससे आगाह था। लेकिन अगर आपको कहना हो मुझे स्मार्टफोन की गलत इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी, मैं इससे आगाह नहीं था, या मैं इससे बेखबर था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ मिस यूजिंग स्मार्टफोन, यानी मैं स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल से बेखबर था, अनजाना था या आगाह नहीं था। अगर आपको कहना हो मैं गलत फोन कॉल से आगाह हूँ या सचेत हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अवेयर ऑफ फेक कॉल, यानी मैं फेक कॉल से आगाह हूँ, सचेत हूँ, मुझे उसकी जानकारी है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं गलत कॉल से आगाह नहीं हूँ, या मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, या मैं उससे बेखबर हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इग्नोरेंट ऑफ फेक कॉल, यानी मैं फेक कॉल से इग्नोरेंट हूँ, अनजाना हूँ, बेखबर हूँ, या मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको कहना हो वह प्लास्टिक के गलत इस्तेमाल से आगाह था, यानी उसे इसकी जानकारी थी या मालूमात थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज अवेयर ऑफ मिस यूजिंग प्लास्टिक। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह प्लास्टिक के गलत इस्तेमाल से आगाह नहीं था, या उसे जानकारी नहीं थी, यानी वह अनजाना था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ मिस यूजिंग प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि अवेयर ऑफ और इग्नोरेंट ऑफ क्या है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।